हे मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आ चुका हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो थोड़े सा आज इंटरेस्टिंग नहीं है, फोन टूट चुका है और फोन की कंडीशन दिखाने वाला हूँ कि यह वीडियो बनाने के लायक बचा है या नहीं। सो अभी मैं इसी फोन में जो टूट चुका है उसी में अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ और काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ। सो फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सक्यूज बहुत सारे लोगों के पास होते हैं कि आज वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, कल करेंगे, ऐसी कंडीशंस हैं। सो मैं दिखाने वाला हूँ, फिर आप भी समझ जाएंगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, Redmi Note 5 है और इसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। ये साथ में ट्राइपॉड रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी स्क्रीन टूट चुकी है और इसके जो पावर बटन हैं वो भी काम करना बंद कर चुके हैं। सो ये नहीं चल रहे। सो मैंने क्या जुगाड़ निकाला है देख लीजिए। सो ये डबल टैप से ओपन हो जाता है और मैं आपको बता दूं। सो इसको बंद करने का तरीका है, यहाँ से तो ये बंद हो भी नहीं रहा है। सो इसको मैंने एक जुगाड़ सेटिंग करके रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा पावर 2 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा सो इस तरह से ये बंद हो जा रहा है। और ये बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, ये बंद हो जा रहा है कभी भी चलता चलता। सो इसकी कंडीशन दोस्तों अच्छी नहीं है। और और दोस्तों यूट्यूब से भी अभी कोई इनकम नहीं आ रही क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। सो अभी मैं इसी फ़ोन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, चलो जितना भी है ना उसी से कर रहा हूँ। और मैंने हेडफोन लिए थे 100 रुपये के जस्ट, वो तो ऐसे ही लिए हैं कि जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो मोबाइल थोड़ा सा दूर होता है और रूम में करता हूँ उसके लिए लिया है। सो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं, बहुत सारे लोगों की कंडीशन होगी, उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम एक ही तरह की होती है, कई तरह की होती है। सो हमने प्रॉब्लम से डरना नहीं है, ऐसा फ़ोन टूट गया कोई बात नहीं, रेडमी नोट 5 का आईफोन 11 भी लेंगे, 12 भी लेंगे। और अच्छी सोच रखनी है, एक अच्छा एटीट्यूड रखना है कि कितने भी प्रॉब्लम आ जाएं आपने बस उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो अभी भाई ने मुझे फ़ोन दिया, विनय छंदेल ने, सो थैंक यू सो मच भाई के लिए भी कि उन्होंने अपना फ़ोन दिया। सो इसी तरह से आप प्यार से रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करते रहिए अपने चैनल के ऊपर। एंड मुश्किलों को आपने उनसे डरना नहीं है, उनके आगे जाना है। सो मैं यही दिखाना चाहता था। और ट्राईपॉड की कंडीशन ठीक नहीं है, इसको बड़ी मुश्किल से लॉक करना पड़ता है, ये देख लो। सो इसकी ट्राईपॉड को रबड़ से बहुत मुश्किल से बांधा हुआ है। तो चीज़ें इस तरह से होती हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो फाइनली दिखा देते हैं। सो प्रमोशन के लिए मत बोलिए, खुद इतनी मेहनत कीजिए कि यूट्यूब आपकी वीडियोस को खुद प्रमोट करे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से प्यार देना। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।